सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिनके होठों पर हंसी रहती है उनके लिए जिंदगी हमेशा हसीन रहती है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन दे देता है। आप थोड़ी देर और सो सकते हैं और असफलता का सामना कर सकते हैं। यह आप सफलता का पीछा करने के लिए तुरंत उठ सकते हैं। इच्छा पूरी तरह से आपकी है। आज का पंचांग 14 जून 2023 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 8:48 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 1:40 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:19 से 2:01 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को योगिनी एकादशी की शुभकामनाएं। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 जून सुबह 9:19 से 14 जून सुबह 8:48 तक रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ 14 जून सुबह 8:48 से 15 जून 8:32 तक रहेगी। हरिवासर अंत 14 जून दोपहर 2:44 पर होगा। पारण समय 15 जून सुबह 5:45 से 8:25 तक रहेगा। धनुराशि 14 जून 2023 दिन बुधवार, जो रिश्ते काम नहीं कर रहे आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं। दिल के मामलों में उदासीन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका कार्य संबंधी जीवन बेहद संतुष्ट है। अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान का मजा लें। आपको एक सक्षम डीलर के रूप में देखा जा रहा है। आज अचानक मूवी देखने, कोई खेल खेलने या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। यह एक भावनापूर्ण चरण है जिसमें आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपके पास 3 विकल्प हैं। या तो आप अपने आप को परिभाषित होने दें या बर्बाद होने दें, या आप पहले से अधिक मजबूत हो जाएं। अनुकूल ग्रह स्थिति है, अपने लक्ष्य पर फोकस रहें। आपकी व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यवसायिक कामों में भी सफलता प्रदान करेगी। घर की सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की शॉपिंग भी होगी। काम को एकाग्रता से करें। जीवन में चल रही अन्य बातों की वजह से आपका ध्यान गलत बातों की ओर चला जाएगा। जिन बातों का आप नजरअंदाज कर रहे हैं उनकी वजह से नई समस्याएं हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते समय किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। जिस प्रकार से आप काम करते हैं उससे संबंधित किसी व्यक्ति के आलोचना की वजह से खुद का विश्वास कम न होने दें। पार्टनर की गलतियों को किस हद तक नजरअंदाज करना है ये समझने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। कभी कभी खर्चों की अधिकता की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा, परंतु समय अनुसार परिस्थितियां अनुकूल भी हो जाएगी, इसीलिए धैर्य बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करने और अकेले रहने के मूड में हैं। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। रिश्ते में तनाव को जगह न दें, इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। याद रखें, बेजान रिश्ते और बासीफुल जीवन को कभी भी महका नहीं सकते। आज आपकी अभिलाषा प्यार की दो बातें सुनने और कुछ सुनाने की होगी। आप अपने साथी के साथ समय बिताना चाहेंगे, जैसे कोई फिल्म देखना, डिनर पर जाना या लॉन्ग ड्राइव। आपका रोमांटिक जीवन प्यार के फूलों से महक रहा है। बस भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता भी कष्टप्रद हो सकती है। बात करती हैं करियर की। कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं जिससे आपके अधिकारी भी प्रभावित हैं। आज सरकारी एजेंसियां या बड़े निगम आपके लिए लाभ का संदेश लेकर आएंगी। जीतना सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है।
अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, फिल्म देखने या हैंग आउट का निमंत्रण मिल सकता है। जीवन के इस चरण का मजा लें। याद रखें, अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छी होती है तो समझ जाएं आधी जंग आपने जीत ली। बात करते हैं सेहत की। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। गिरकर या वहां से चोट लगने की आशंका है, ध्यान रखें। आंखों से संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकती है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें शुभ रहेगा। हरी मूंग का दान अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।